मेरे दोस्तों ये हमारे मोहनदा हैं और मुझे बचपन में इन्होंने इतना छोटा देखा जितना कि मेरा ये लड़का है, ये देखिए इतना बड़ा। और आज भी मोहनदा मुझे बड़े ही प्यार के साथ मिले, मिलकर बिल्कुल मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा है मुझे पापा की याद आ गई, हमारे फादर बहुत यार वो तो क्या बड़े बढ़िया आदमी थे यार। और मोहनदा आप लोगों को देख के मुझे उन्हीं की याद आ गई यार, वो क्या दिन थे यार, यहाँ बताओ तो ऊपर तुम्हारी छत के ऊपर बैठ के धागे डाला करते थे। तो मोहनदा के लिए भैया देखो, मैंने मोहनदा है बहुत पुराने हमारे चाचा ताऊ सभी कुछ। इन सीढ़ियों पर मेरा बचपन गुजरा है, जब मैं अपने इस बेटे की बराबर था तो इन सीढ़ियों पर दिन में ना जाने कितने चक्कर मारा करता था। आज मैं एक बार फिर से यहाँ पर आया हूँ पूरे 10 साल के बाद। 10 साल में पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है और ये सीढ़ियाँ भी बदल चुकी हैं, और ये जहाँ पर हमारी दुकान हुआ करती थी, देखते हैं यहाँ पर क्या बन गया है। इस 10 साल में पूरी ज़िंदगी बदल के रह गई है। ये जो आप देख रहे हैं ना पेड़, यहाँ पर मेरी दुकान हुआ करती थी, और ये सीढ़ियाँ हैं 32 सीढ़ियाँ जिन्हें चढ़ते हुए हमारी रूह कांपा करती थी। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं क्या हाल है। यह है टूरिस्ट होटल, मेरे दोस्त राजा का टूरिस्ट होटल। ये देखिए चलिए ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और देखते हैं। मेरे भाई इन सीढ़ियों पे मेरा बचपन गुजरा है। दोस्तों ये जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ पर लकड़ी की एक टाल हुआ करती थी, और ये जो मकान है यहाँ पर हमारी आटे की चक्की और रुई की मशीन हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। मैं अक्सर यहाँ पर बैठकर सामने हिमालय पर्वत का नज़ारा किया करता था, और इस जगह कुर्सी डालकर मैं यहाँ पर नॉवेल पढ़ा करता था। ये पेड़ भी उसी ज़माने का है, और ये राजदीप होटल है सामने, लेकिन वो मैदान गायब हो गया जो पहले था। ये राजदीप होटल का दरवाज़ा है, ये छत है राजदीप होटल की। ज़िंदगी कितनी बदल गई है दोस्तों, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा यहाँ जैसे पहले हुआ करता था। ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है दोस्तों, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब नए लोग हैं, नई बातें हैं, नए मकान हैं, नए निशानात हैं, वो सब बातें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे जाने कितने बुज़ुर्गों ने यहाँ पर आकर अपना वक्त गुजारा है, और मैंने भी। तो चलिए अब यहाँ से रिटर्न हो। ये हैं दोस्तों वो सीढ़ियाँ, और ये है टूरिस्ट होटल का कमरा नंबर 9। हमारे ऊपर से बिल्कुल साफ दिखाई देता था और आज भी दिखाई देता है। आ जाओ अर्शद मियां, नीचे को आ जाओ। जावेद भाई, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं ये पल का खोका। कभी यहाँ पर मैं भी काम किया करता था, इसी जगह पर बैठा करता था, भुंटे भुना करता था, लेकिन आज मैं यहाँ से निकल गया हूँ। ये मेरा दोस्त है रिंकू, और ये जो मैं आपको बाज़ार दिखा रहा हूँ ये बाज़ार है मेन बाज़ार जहाँ पर मेरा घर हुआ करता था, और ये बिल्कुल ऐतिहासिक बाज़ार है यहाँ की। नम्मू नम्मू आ गए हैं, पुराने दोस्त हमारे।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो लाइनें हैं यहाँ पर बाज़ार की, मार्केट है और इसके अंदर लोग रहते भी हैं। और ये जो मकान आपको दिख रहा है, ये मदन लाल वर्मा का मकान है, इसमें ये हमारे दोस्त रह चुके हैं कभी और अभी भी ताल्लुकात हैं। और मुकेश क्या हाल है? कहता भाई, तो चलिए मैं आपको यहाँ से नीचे लेकर चलता हूँ और नीचे का दृश्य दिखा। हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं, आपका भी लेंगे यार। चैनल सब्सक्राइब कर लो फिल्मोग्राफी 78। पहले मैं भी यही रहता था खड़ी बाजार में। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये बाज़ार बिल्कुल पूरी तरह से डाउन है और मकान बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मेरे जान पहचान के ही निकलेंगे। मुझी मुझी कैसा है? पहचाना नहीं। तो मेरे दोस्तों पूरा बाज़ार दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो मकान आप देख रहे हैं वाइट वाला, यही मकान था, इसमें हम रहा करते थे, लेकिन अभी नए तरीके से बन गया है, अब कोई और है इसके अंदर। में चल गली पापा इसमें रहते। हाँ ये वाला मकान था, देख इसमें हम रहते। हाँ सफ़ेद, अभी ये सफ़ेद है, पहले सफ़ेद नहीं था ये। अब किसी और का हो गया। पहले इतना बड़ा था हमारा। हाँ इतना बड़ा था और अब इतना छोटा है। तो मैं गलत हो गया था, चलते चलते ये इतने बड़े बड़े पत्थर है। हाँ बेटा आते वक्त तेरा क्या हाल होगा, ये तो सोच जरा। आते वक्त तेरा क्या हाल होगा। बाजार बिल्कुल डाउन है, नीचे को है, लेकिन हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हाँ नहीं चलूँगा यार, सब पता है मुझे वहाँ पे क्या है। टेंशन मत ले। चलो चलो, ये जो बैठे हुए हैं ना अंदर, ये हमारे उस्ताद हैं। इनका जिम है और मैं वहाँ पर जिम किया करता था। तकरीबन 15 साल पहले मैंने रानी खेत छोड़ दिया, लेकिन मैं उस्ताद को नहीं बोला। उस्ताद तुम पहचाने मुझे? हाँ पहचाने। अब पहचाने ना? हाँ। और विक्की दा कहाँ है? विक्की दा यार घर पे ही। अच्छा, और जिम कर रहा है आजकल? जिम नहीं चल रहा यार, अच्छा छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ, स्वास्थ्य खराब हो गया था यार। उस्ताद तुमने जिम बंद कर दिया, बड़ा बुरा लगा मुझे। चल रहा है? आप कर रहे हो ना? आप नहीं कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपको देख कर तो हमने करना सीखा था।